ये है मेरे पास Realme 11 Pro 5G और आज मैं आपको इसके टॉप 10 हिडन फीचर बताने वाला हूँ। अगर आपने फ़ोन बाय कर लिया तो भी वीडियो आपके काम की, और आप बाय करने का प्लान कर रहे हो दोनों केस में वीडियो आपके काम की। वीडियो लास्ट तक देखना, कुछ ऐसे फीचर है जो आपको शायद पता नहीं होंगे जिससे आपके फ़ोन का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो सकता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है रैम एक्सपेंशन, जो काफ़ी सारे लोगों को पता है काफ़ी को नहीं पता है। सिंपली क्या करना है, सेटिंग में जाना है, आप अपनी रैम को बढ़ा सकते हो। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर आपको रैम का सेक्शन मिलेगा, 8GB लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, 4, 6 and 8। तो जितने आपको बढ़ाना है उस पर स्लाइड करके नीचे यहाँ पे लिखा है दिस सेटिंग विल इफेक्ट आफ्टर यू रिस्टार्ट योर फोन। जैसे आप रिस्टार्ट करोगे, रिस्टार्ट करने का प्रोसेस एक तो ये वाला बटन और ऊपर वाला बटन एक साथ दबाओगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा रिस्टार्ट कर देना। आपकी ऑटोमेटिक जो रैम है ना वो बढ़कर अपग्रेड हो जाएगी, और उसको देखना हो अगर, जैसे अभी तो मैंने रिस्टार्ट नहीं किया पर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर सिंपली सर्च करना डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा जाएगा डिस्प्ले रैम एंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ और आप देखो ये जो आप रीसेंट मेन्यू पे जाते हो ये यहाँ पर तो आपको लिखी हो जाएगी 8+4, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैंने रीस्टार्ट नहीं किया है इसलिए 8+4 दिखा रहा है, अदरवाइज 8+8 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट फीचर है ना वो मल्टीपल यूज़र मोड है। अब जैसे मैं आपको ये वाला गैलरी दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो भाई मैंने कैमरा टेस्ट किया था, उसके काफ़ी सारे फोटो एंड वीडियो से। अब मुझे चाहता हूँ कि घर में किसी और को फ़ोन देना चाहता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप या इंस्टा जो भी मेरे फ़ोन में वो किसी और को पता ना चले, सिंपली क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे आखिरी में ऑप्शन मिलेगा यूज़र एंड अकाउंट्स, इसके ऊपर आपको यहाँ मल्टीपल यूज़र मिला ये, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर इसको ऑन कर देना। आप जैसे आप मल्टीपल यूज़र ऑन करोगे एक ओनर वाला सेक्शन आएगा और एक गेस्ट वाला आएगा। ओनर वाला मतलब जो अभी चल रहा है, और गेस्ट वाला मतलब आपको नया बनाना है। तो अभी मैंने आपको फोटो वीडियो दिखाई, गेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ पर इंटर करूँगा और स्विच कर दूँगा। अब यहाँ पर ये स्विच होने में थोड़ा समय लेगा, 1 से 1.5 मिनट या 2-5 सेकेंड ले सकता है स्विच होने में, क्योंकि पूरा सिस्टम वो चेंज कर रहा है। तो ये यहाँ पर टर्न ऑफ होके एक नया विंडो बना देगा, मतलब एक नया जैसा फ़ोन आता ना वैसा का वैसा हो जाएगा, कुछ भी डेटा इसके अंदर रहेगा नहीं। अब आपको दिखा भी देता हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह अभी आपको दिखाई थी, फिर से गैलरी ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा सा समय ले सकता है जैसा सिस्टम चेंज होता है इसलिए। तो यहाँ पर मैं गैलरी में जाता हूँ और देखो भाई यहाँ पर गैलरी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। और यहाँ से फिर अगर मुझे ओनर पे जाना है तो ये विंडो आपको देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करना है और सिंपली ओनर वाले पे कर देना है। जैसे मैं ओनर पे करूँगा स्विच, ये देखो भाई फिर से स्विच हो रहा है, और यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट मेरा 8 था वो भी आ गया, कोई डेटा इधर उधर नहीं हुआ है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये देखो भाई ये फोटो वीडियो मेरी वापस आ गई है, गैलरी ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिंपली ये देखिए ये आ गई भाई गैलरी। तो ये मल्टीपल यूज़र मोड है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ कर सकते हो प्राइवेसी के लिए। सो जो नेक्स्ट फीचर है ना वो है हिडन फोटोज़ एंड वीडियोज़ को करने का शॉर्टकट। यहाँ पर आपको गैलरी दिख रही, सिंपली इसमें जाना है, आप कोई सी भी आपको फोटो करना है सिंपली यहाँ पर आप देखो भाई नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, फोटोज़ एल्बम एक्सप्लोर, यहाँ पर किसी भी इस पर क्लिक करके होल्ड प्रेस करना है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी सेट करने का आएगा, जो भी आपको करना है आप अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करो और यहाँ पर अपना नाम डाल दो, जो भी आपको डालना है फर्स्ट टीचर नेम या खुद का ही नाम डाल दो ताकि हमेशा याद रहे, और गॉट इट। अब ये मेरा एक हिडन फोल्डर बन चुका है, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सिंपली गैलरी में जाऊँगा, सपोज़ मुझे ये तीन फ़ोटो मुझे हाइड करनी, तो सिंपली यहाँ पर जाके नीचे ऑप्शन आएगा हाइड, तो इसके अंदर है ना कैमरे में एक फीचर है बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट, जो कि वीडियो में आता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई सेकंड नंबर पे बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट है, इसको आप ऑन करोगे तो जो आपका फ़ोन में DSLR जैसे वीडियोस बनते हैं बैकग्राउंड ब्लर होके वो बन सकते हैं, और इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई तो यहाँ पर आप पीछे मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, पूरा ब्लर हो रहा है और DSLR जैसा एक इफेक्ट आ रहा है। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो, वीडियोज़ बनाना पसंद है, तो इस तरह के वीडियो आप बना सकते हो जो फीचर मैंने आपको बताया उसके थ्रू। ये देखो भाई पीछे कितना अच्छा सा एक बैकग्राउंड पोस्चर आप देख सकते हो, फ्लेयर क्रिएट हो रही है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लगता नहीं है फ़ोन से है, लगता है DSLR से रिकॉर्ड हुआ है। तो ये फीचर काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, उनकी फ़ोन में रहता है। सिंपली वीडियो में जाना है, यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर पे सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये काम का फीचर है, ज़रूर यूज़ करना, फ्रंट में भी है बैक में भी है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो कैमरे के अंदर ही है, टेक्स्ट स्कैनर। आपको सिंपली मोर में जाना है, सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको टेक्स्ट स्कैनर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है, जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए। सपोज़ ये वाला बॉक्स है, इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, मुझे सिर्फ टेक्स्ट ही रीड करवाना है कैमरे को, तो सिंपली टेक्स्ट स्कैनर में एक फ़ोटो लेना, यहाँ पर येलो बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो जैसे येलो बॉक्स आता है ये आ गया, और ये मैंने क्लिक करा फोटो। अब ये क्या करेगा, उस पूरे पोर्शन में से इतने सारे में से सिर्फ टेक्स्ट को उठाएगा
और यहाँ पर आप देखोगे तो फोटो कुछ इस तरह की आएगी, सिर्फ आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखी हुई चीज़ें मिलेगी और स्कैन होके मिलेगी, मतलब दिखने में भी काफ़ी सही लगेगा। स्टूडेंट्स और जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें, विदाउट थर्ड पार्टी ऐप के आप ये चीज़ें कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल। आप अपने फ़ोन के यूआई को थोड़ा और बेटर करना चाहते हो, अच्छा दिखाना चाहते हो, सिंपली क्या करना है आपको, वॉलपेपर एंड स्टाइल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। सबसे पहले तो एओडी का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जहाँ पे बिटमोजी है, कैनवास है, कस्टम पैटर्न है जो आप बना सकते हो। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, ये पैटर्न बन गया, ठीक है। मैं आपको अगर मैं 3 बना रहा हूँ तो कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा, अगर मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा, जिसको आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे लगा भी सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा तो ये लग चुका है, और आपको बंद करके भी दिखाता हूँ, ये देखो ये आ गया पैटर्न। तो कुछ इस तरह की यूनिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिल जाएगी आपको। कैनवास का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो, नीचे अलग अलग एनिमेशंस, कुछ डायलॉग मिल जाएंगे आपको अपनी वॉच के, थीम्स वगैरह इसमें मिल जाएगी। थीम्स वगैरह तो कुछ खास नहीं है तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपको आइकन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने आइकन के शेप को भी चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर नीचे इनके नाम वो हटा सकते हो। यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, देखना कितना अच्छा लगेगा। एक आईफोन वाली वाइब आपको देगा यहाँ पर, देखो ये बड़ा बड़ा आपको आइकन्स मिलेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छे हैं। और नीचे टेक्स्ट नहीं लिखा है तो दिखने में अच्छा लगता है, बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सा सही लगता है तो आप वो कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा, यहाँ पर आप जाते हो कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे नोटिफिकेशन पैनल है या ये बार है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी ब्लू कलर है, सॉरी ग्रीन था, तो ये देखो यहाँ पर आप ये वाला कलर हो गया है। अलग अलग कलर आप कर सकते हो, कस्टम कलर भी मिल जाएंगे आपको, ये देखो एक सेकेंड यहाँ पर मैं गया, और चेंज भी कर सकते हो। तो वही काफ़ी सही चीज़ है, अब ये वाला कलर हो गया है, जो कलर आपको चाहिए, जो फ़ोन चाहिए, वॉलपेपर का कलर सब चेंज हो सकता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी चेंज हो सकता है जब आप फिंगरप्रिंट लगाते हो। जैसे अभी मेरा जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का है, इसको मैं चेंज करके ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखो अलग अलग चीज़ें हैं, कस्टमाइज़ करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो जो नेक्स्ट फीचर है वो बाबू सोना जादू टोना वाले लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हाइड ऐप अगर आपको करना है, ऐप लॉक करना है या ऐप हाइड करना है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, प्राइवेसी के अंदर जाना है, प्राइवेसी वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना है जो आपने पहले डाला होगा। इसके बाद हिडन ऐप्स यहाँ पर दिख जाएगी, और कौन सी हाइड करना है वो भी दिखाता हूँ। जैसे अमेज़न मुझे करना है, यहाँ पर मैं गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी एक्सेस कोड होता है, यहाँ पर आपको हैश के साथ 4 डिजिट और हैश लगाना है, सपोज हैश 9922 हैश, ये हो गया एक्सेस कोड। अब ये डन हो गया, अब अमेज़न एप्लीकेशन जो है ना वो यहाँ से हट गई है, ठीक है, यहाँ पर थी अब वो हट के जा चुकी है। कहाँ मिलेगी, सिंपली डायलर में जाना है, डायलर में जाने के बाद यहाँ पर मुझे हैश 9922 हैश जैसे डालूँगा, और यहाँ पर आप देखो ये आ गया अमेज़न। जो भी एप्लीकेशन आप रखोगे तो वो आपको यहाँ नहीं दिखेगी आपके मेन विंडो पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हाइड रहेगी, तो शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाए कि आपके फ़ोन में कोई चीज़ है जिसको आपने छुपा रखा है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का है। आपने स्क्रीनशॉट कई तरह से लिए होंगे, जैसे एक ये वाला ऑप्शन है, इन दोनों को दबाओ तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। एक यहाँ पर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है, 3 फिंगर को होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे आपको एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आप ड्रॉ करके देख भी सकते हो भाई कितना स्क्रीनशॉट आपको चाहिए। एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, बाद में एट द टाइम आप ले सकते हो। सपोज मुझे इतनी इतनी चीज़ें चाहिए, सिंपली यहाँ पर करूँगा और ये डन कर दूँगा, तो सिर्फ उतना उतना वॉल मतलब स्क्रीनशॉट ही आ गया, देखो भाई सिर्फ इतना इतना आ गया। अब मैं चाहता हूँ कुछ और तरीके का, तो यहाँ पर होल्ड एंड प्रेस किया। अब यहाँ पर आपको नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो रेक्टेंगल और सर्कल और फ्रीडम। अब मैं सर्कल बनाना चाहूँ तो सर्कल बना सकता हूँ, तो ये हो गया सर्कल, ठीक है, ये सर्कल में आ गया। अब नीचे आपको और ऑप्शन मिलेंगे पिक्सलेट करने के। अब जैसे मान ली कोई एप्ली फोटो है जो आपको ब्लर करनी, तो यहाँ पर आप सिंपली ब्लर भी कर सकते हो, ये देखो भाई यहाँ पर आप इस तरह से ब्लर भी कर सकते हो। नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांसलेट का भी मिलेगा, अगर कोई टेक्स्ट लिखा है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो यहाँ पर आप कर सकते हो लाइव फोटो में एट द टाइम ऑफ स्क्रीनशॉट। तो कुछ इस तरह का अलग अलग फ्रीडम वाला भी मिलेगा, जहाँ पे आप अपने आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक ये वाला दिखाता हूँ, ये मैंने 3 फिंगर रखा, नीचे आया फ्रीडम वाला ऑप्शन, यहाँ पे गया और मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है, यानी इस तरह से काटना है, तो इस तरह से भी ये क्रॉप हो जाएगा, ऐसा का ऐसा फ़ोटो यहाँ पर ही आ गया, देखिए भाई ये स्क्रीनशॉट है। तो कुछ इस तरह का यूनिक सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये फ़ोन है ना 6.7 इंचेस की डिस्प्ले से आता है, काफ़ी बड़ा फ़ोन है, तो जिनके हाथ छोटे तो उनको अगर एक हाथ में चलाने में प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे नोटिफिकेशन बार लाना है तो मुझे सेकेंड हाथ से इसको पकड़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हो एक हाथ से चलाना, सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है 1 हैंडेड मोड या 1 लिख देना आ जाएगा, 1 हैंडेड मोड पर क्लिक करा, इसको यहाँ से ऑन कर देना है, और ये आपको ट्यूटोरियल भी देगा कि भाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली यू करना है, ठीक है, आपका स्वाइप वाला जेस्चर है, सिर्फ आपको यू करना है, नीचे ऑटोमेटिक विंडो आ जाएगी। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ,
जैसे कि मैं गैलरी में हूँ, ठीक है, गैलरी पे मुझे बड़ा लग रहा है चलाने में, तो सिंपली मुझे बस इतना करना है, ये नीचे आ जाएगा और मैं यहाँ से चला सकता हूँ। अब मुझे नोटिफिकेशन बार लाना है तो मैं ऊपर से ला सकता हूँ। सिंगल हैंडली इस फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरे हाथ छोटे हैं तो। अच्छा फीचर है, काम का है। जो नेक्स्ट फीचर है ना वो है क्लोन फ़ोन, जहाँ पे आप अपने फ़ोन का पूरा डाटा एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसका आइकॉन कुछ इस तरह से है। अभी मैंने टेक्स्ट हटा दिया, नहीं तो क्लोन फ़ोन लिखा था, इसको क्लिक करना है। अब ये वाला प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। सपोज़ आपका ये वाला फ़ोन रियलमी का है, पुराना वाला फ़ोन ओप्पो, वन प्लस, रेडमी, सैमसंग जो भी हो, तो सिर्फ आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है क्लोन फ़ोन। देन आप पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा डेटा उठाकर अपने फ़ोन में ले सकते हो। आपको लगेगा नहीं कि आपका फ़ोन चेंज हुआ है, कॉन्टैक्ट, फोटो, वीडियो। यहाँ पर आपको ओल्ड और न्यू डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। इस वाले में आपको न्यू करना है, पुराने वाले में ओल्ड करना है। स्कैनर आ जाएगा, एक दूसरे को स्कैन करके कनेक्ट कर देना, पूरा का पूरा डाटा आपका एज इट इज़ उठकर आ जाएगा। काफ़ी सारे फीचर काम के होंगे, काफ़ी सारे नहीं होंगे, तो जो काम के थे आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। कॉमेंट करके बताना आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगा या कौन सा ज़्यादा यूज़फुल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।